देखिए, अभी आपने जो पूरा डाटा दिया उसमें हम देख रहे हैं कि 2017 के बाद में डिक्लाइन की ओर चला है। तमाम जो है 2020 में हम काफी जो गुंडा राज जो था हम उसके ऊपर कंट्रोल कर पाए। 37,000 से ज्यादा मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं, गैंगस्टर्स को हम अरेस्ट कर चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 523 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। 11,000 लोग जिनके ऊपर इनामी बदमाश थे उनको अरेस्ट किया गया है। और महिलाओं के उत्पीड़न के केस में और तमाम जो डकैती होती थी उसके केस में सब में डिक्लाइन हुआ है। और मोटे तौर पर अगर हम इसको सरल भाषा में समझें, नहीं, एक सेकंड, आप गलत, बट आप जो फैक्चुअली गलत चीज कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक्चुअली 35% फिगर दिखा रहे हैं, डिक्लाइन बड़ी है आपके 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 नहीं, डिक्लाइन नहीं हो रहा है। यूपी में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आपके सरकार आने के बाद 36% बढ़ा है। 2018 में 60,000 के आसपास केसेस हैं, 2019 में 60,000 के आसपास केसेस हैं, 2020 में 50,000 के आसपास केसेस हैं, जो कम हुआ ना सरकार के टाइम से कम है। कम हुआ, मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है, गलत निकल गया, ज्यादा है नहीं। 2014 में 38,000 थे, 2015 में 35,000 थे, 2016 में 50,000 थे, उसके बाद 56,000, 60,000 और 60,000 हुए हैं। तो आपके आने के बाद केसेस बढ़े हैं श्रीनिवास जी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। श्रीनिवास जी, वो दौर ऐसा था जिसमें कोई महिला अपना मुकदमा भी दर्ज करने, उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं होता था, पुलिस वालों को पीटा जाता था। 1,044 मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस को पीटा है समाजवादी गुंडों ने। आप ये देखें कि मेरठ, दिल्ली से गाड़ी चोरी अच्छा, होती थी और मेरठ जाके कि, अच्छा ये बताइए, मोदी योगी सरकार नहीं, 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 दूसरा जो योगी जी का दावा था कोई भी किसी तरीके की बदमाशी नहीं चलेगी। ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए कि आपने कहा, एक सेकंड शांत प्रकाश जी, मैं ऑडियो आपका डाउन नहीं कर रहा। आपने कहा था कि योगी जी कहते हैं कि कोई भी दंगे नहीं हुए हमारे आने के बाद। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आपके आने के बाद 30,000 दंगे हुए हैं यूपी में। आप मुझे एक दंगा तो याद दिलाए ना साहब, 30,000 ये आंकड़े जो कहां से आए मुझे मालूम नहीं। मुझे एक दंगा बताएं कि शांत प्रकाश उस जगह पे दंगा हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर का दंगा, मगर हमें तो एक दंगा आप याद नहीं दिला सकते। शांत प्रकाश जी, आप सरकारी आंकड़ों को, अब मैं ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, अगर आप देखिए एक आंकड़ा तो बताना होगा ना, चाहते हैं सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मैं तो आपसे केवल एक दंगा पूछ रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में एक दंगा बताएं कि वो दंगा जो है वो दंगा हुआ और वो योगी सरकार में हुआ। आप मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ आप उसको किसी सूरत में नहीं भुला सकते, एक दंगा मुझे याद दिलाएं। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी के आधार पर सरकारी आंकड़े क्या है, जो सरकारी आंकड़े स्थितियां पैदा होने जा रही हैं, ये वही आंकड़े हैं जो हर साल एनसीआरबी निकालती है।